Excuse me, भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. हैं? क्या मतलब क्या आपका? क्या मैंने क्या खराब कपड़े पहने हुए? क्या ये कपड़े खराब है? क्या कहना कह जाते हो? खुद ने बड़े अच्छे कपड़े पहने, ये कपड़े क्या? Well, bro, गर्मी हो या सर्दी इस दा हम रोज पहनते हैं यही वर्दी इस दा. और अच्छी खासी तो है वर्दी यार, प्रॉब्लम क्या है? तुम ये चाहते हो कि हम और हैंडसम दिखे तो ये वर्दी उतार के हम एकदम वो फैशनेबल वाले नया टाइप का कपड़े पहने हैं? नहीं 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 नहीं, आप लोग समझे नहीं. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. अब तू यहाँ जो है कपड़े की मिल का मालिक हो रहा है, शोरूम खोल रखा तेने, यहाँ हमें सिखा रहा तमीज. नहीं नहीं मैडम, आप भी समझी नहीं. मतलब कि मैडम मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, अरे ये तो मेरी तकिया कलाम है. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. अबे तू अमितारियन हो रहा है, उसका चेला हो रहा है, ताऊ हो रहा है उसका. चेला नहीं मैडम, थैला. मैं हूँ थैला. ओहो, कौन सा थैला यार? पड़ोसन का सब्जी का थैला या अड़ोसन के फ्रूट्स का थैला? अरे मेरा नाम है थैला, थैला थडानी. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. मैडम मैं बहुत परेशान हूँ. देखो यार, जो भी मामला है, नींबू है या आंवला है, उसे खुल के निचोड़ डालो, टेंशन का बल्ब फोड़ डालो, तक तक तुम तुम. वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का अंडा उबल गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की नागिन की सहेली. मेरा मतलब है चिपकली जहरीली. मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ मैडम. बात यह है कि मेरी शादी को 3 महीने हो गए, माने 3 महीने पहले मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन आज तक मेरे घर में वो शादी वाली रस्में निभाई जा रही है. मैडम आप नहीं मानेंगे, लेकिन सच बात यह है कि मेरी साली और मेरे ससुर आज दिन तक, माने शादी के 3 महीने के बाद भी मेरे घर पे ठहरे हुए और सारी रस्में निभा रहे. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. Well, dudes, खुल के बताओ, what is the matter? Is the on करो जनरेटर is the है? दादाजी मैं क्या बताऊं? दादाजी आज तक है ना मेरे घर में जूते चुराई की रस्म निभाई जा रही है. रोज रोज मेरी साली ना मेरे जूते चुरा लेती है और रोज मुझसे 2,000 या 3,000 रुपए ले लेती है. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. अबे तो तू क्यों दे रहा है उसे पैसे? इतने पैसे के नए जूते ले आ तू खरीद के. हाँ तो खरीदे ना, लेकिन वो भी उसने जूता चुराई की रस्म में डाल दिए. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. तो आपकी पत्नी क्या करती है? उसने कुछ बोला नहीं अपनी बहन को? अरे मेरी पत्नी ने उल्टा मुझे ही डांट दिया. अरे कल देखे, कल की बात है मैडम, कल मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो मीटिंग का कोड वर्ड था व्हाइट शर्ट. तो मैं व्हाइट शर्ट पहन के निकला ही था, उतने में मेरी साली आई और हल्दी वाले हाथों से उसने मेरे शर्ट पे छापे लगा दिए. मैंने उस पे गुस्सा किया तो उल्टा मेरी वाइफ ने मुझे लताड़ दिया कि अरे ये तो शादी के बाद वाली रस्में है. भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो. बोलो कौन हो रही है साली? इसके रस्म नहीं खत्म हो रहे, बुलवाओ जरा चौकी में साली ने भी और बीवी ने भी. बिल्लो चल रेडी हो जा, सांस मत ले. चलाइए मैडम, चलाइए, लगाइए एम. रेडी हो? हमारे टाइम में हम भी ऐसे कई खेल खेल चुके हैं. चलिए मैडम अब इसकी बारी है. रेडी मैडम, रेडी. ये मैडम आपका एम जरा काफी खराब हो गया है. एम खराब नहीं चल रहा है, सही चल रहा है. अगर खराब चल रहा होता तो. समझ गया मैडम, समझ गया, समझ गया. सॉरी, थैंक यू. इस टाइप की ट्रेनिंग की बात नहीं हुई थी मैडम, दीदी से बोल दूंगा. जा बोल दे, बोल ले जा. अब क्या, अब तो हो गया जो होना था. लगी तो नहीं ना गोली, बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बच गया मैं. लगी भी नहीं.
एक दिन लगेगी। आइए आइए। Well, mom, he is the sali is the and he is the gharwali is the. अच्छा, तो आप दोनों हैं वो थैला थदानी की साली और बीवी जिसने उस बेचारे का जीना हराम कर रखा शरीफ आदमी का। हाय दया, ऐसे ना कहियो मैडम, हैं हमने कौन को जीना हराम कर रखा है? मजा आगो मैरिज में। हाँ जीजी, और हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? जरूर जीजू ने कोई लपड़पंती की होगी और चौकी में हमारी शिकायत लेके आए होंगे। रसम की कसम है और कसम की रसम। अच्छा, ऐसी कौन सी रसम निभरी तुम्हारी? अभी तक रुकना रही, बिल्कुल 3 महीने हो गए हैं शादी को, उसके बाद भी जूते चुराए ले रही है तू अपने जीजा के। मैडम, वो बात ये है कि हम है ना जीजी की शादी में शामिल नहीं हो पाए, हम बीमार थे ना। क्या हुआ था लवेरिया? शाबाश, मतलब क्या मलेरिया की टाइफाइड? नहीं, हमें गर्मी की वजह से लू लग गई थी, इसलिए है ना हम जीजी की शादी में शामिल नहीं हो पाए, इसलिए अभी हम जूते चुरा रहे हैं। और क्या हो गया जूते चुरा रहे हैं तो? क्योंकि रसम की कसम है और कसम की रसम है। अरे तो ठीक है, लेकिन एक बार जूते चुरा लिए तो बार बार क्यों चुरा रही हो? अरे हमारे जीजू हम कितनी बार भी जूते चुराए। क्यों जीजी? और नहीं तो का? अरे हमारे पति हैं वो, हमें कोई आपत्ति ना है रही, तो आप लोग क्यों बैंगन में टमाटर ठूस रहे हैं? मजा आ गया मैरिज में। अरे ओ आपत्ति, पत्ती आया था यहाँ सारा रोता हुआ बिल्कुल ही, चाय की पत्ती सा सुखा रखा दोनों बहनों ने मिलके। ऐसा है, प्रताड़ित कर रहे हो खूब लौंडे को, ज्यादा परेशान मत करो वरना। अरे पति ना है वो वनस्पति है, नाशपति है रे। बताओ जीजा साली का तो मजाक बजाक छेड़छाड़ कर रिश्ता है रो, और एक बे जो बुरा मान रहे। हाँ मजा आ गो मैरिज में। वाला स्वीट हार्ट, वाला बेबी जीजी। मतलब बहन जी देखो, जीजा जी को ऐसे ना परेशान नहीं करते हैं, है जी? अरे दादाजी, मैं जीजू को परेशान नहीं कर रही हूँ, वो क्या है ना, हमारे डैडी ने हमें सिखाया है कि जितनी चाहो दिल खोल के रस्में निभाओ, जितना दिल करे उतनी रस्में निभाओ, इसलिए हम रस्में निभाते हैं, क्योंकि रस्म की कसम है और कसम की रस्म है। ओ, 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 मैडम मतलब ये समोसे का आलू, मेरा मतलब है इस जंगल का भालू, मेरा मतलब है समस्या की जड़ जो है वो इनके डैडी है, इन्होंने भर भर के इन्हें शिक्षा दिया रसम निभाने की। इब सौ बात की एक बात, दोनों बहनें कान खोल के सुन लो। इब तो अगर उस शरीफ आदमी को परेशान करा दोनों ने, उसे प्रताड़ित करा है जी, तो हरेसमेंट का जो है केस बना के मैं दोनों बहनों की चुटिया बांध के आपस में लॉकअप में ठूस दूंगी। ठीक है मैडम, अब आप बोल रही है तो जूता चुराने की रस्म बंद, क्योंकि रसम की कसम है और कसम की रसम है। अरे छोटी, अब कोई रसम कसम ना बची, चल ले घर। चलो राखी गुलजार बंस, मजा आ गया मैरिज में। कितना थोड़ा मेरा साइन कर दीजिए। क्या आयो? सरकारी गोलियां वेस्ट हुई है ना, दो। ओके एक और। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गोली की जरूरत नहीं, ला आओ जरा, आओ आओ आओ। अबे क्या बात कर रहे हो मैं? शादी को 3 महीने हो गए, अब तक जूता चुराई चल रही है। अरे हाँ सर, सर हर दूसरे दिन नए जूते खरीदता है, उसकी साली फिर से चुरा लेती है और उसको लौटाने के 3-4 हजार रुपए लेती है सर, इतने महंगे। वेल अबे अबे जूते में झाड़ उगाएगा क्या बे? 100 बे सर, मेरी शादी में तो मेरी सालियां मेरी जूतियां चुरा ही नहीं पाई थी, तो इतनी सड़ी हुई जूतियां थी। मैं अपनी शादी में नंगे पैर गया था, मेरी सालियां ढूंढती रही मेरी जूतियां इसदा, मैं गाना गा रहा था तू तक तू तक तू तक तूतियां इसदा। सर लेकिन अब सर क्या डोज दिया है मैडम ने साली को और घर वाली को, अब वो थैला यहाँ चौकी वापस नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? ये वही है, ये वही है सर, थैला ठहरानी, ये तो फिर आ गया,
क्या हो गया? आपकी साली को समझाया था ना मैडम ने? Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? अरे भाई और बहनों अच्छे कपड़े पहनो। अरे क्या बताऊं मैं दादाजी आपको, अब की बार उन लोगों ने नया शुरू किया है। घर में मेरे घर के अंदर एंटर होने के लिए मुझे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, खुद के घर के अंदर जाने के लिए। बोलो आप बात कर रहे हो यार? हाँ। यार ऐसा क्या है तुम्हारे घर में कि तुम्हारे घर में घुसने के लिए 1000 रुपए का टिकट लेना पड़ता है? अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, अब उन लोगों ने एक नई रस्म शुरू की है, द्वार छिकाई की रस्म। क्या करती है मेरी साली, यूं दरवाजे पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जीजू अगर अंदर जाना है तो 1000 रुपए नेक दे दो। मैं जब 1000 रुपए देता हूँ तब वो मुझे अंदर जाने देती है। मुझे ऐसा लगता है सर इसके पीछे ना मेरे ससुर का हाथ है, वो ही सबसे बड़ी जड़ है। आप उसे यहाँ पे बुलाइए और उस जड़ को जड़ मूड़ से काट दीजिए। हाँ। कैसा ससुर है? क्या है? सॉरी 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 हाँ, प्लीज। ससुर कैसा ससुर है बे तेरा? कैसा ससुर को बुलवाओ बे, इसके ससुर को। हमारे पास दो फोन है। वाह मैडम, टू टू। एक प्राइवेट एक पर्सनल। एक पे प्राइवेट कॉल्स आवे, एक पे पर्सनल कॉल्स आवे। प्राइवेट और पर्सनल तो हाँ नहीं अच्छी। क्या सेम होता है मैडम? कौन बोला? मुझे लगता है। कौन बोला? कुछ नहीं मैं। ज्यादा लगे? नहीं नहीं अलग अलग है, प्राइवेट पर्सनल दो फोन। प्राइवेट फॉर प्राइवेट कॉल्स एंड पर्सनल फॉर पर्सनल। Follow him. Private personal. Come on. Well, mom. फिर से? ये पापा। Private personal. Well, mom. She is ससुर is the जिसका है सारा कसूर is the. एक्सक्यूज मी मैडम, मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। अच्छा हाँ करेक्ट। अरे भाई तुम हो वो ससुर, वो बाप जिसने दो ऐसी अनोखी औलादे पैदा करी हैं, बेटियां जो बिल्कुल रस्में निभाए जा रही हैं। तेने क्या सिखा रखा अपनी बेटियों को, खूब रस्में निभाओ, जम के निभाओ और जो है पिल के निभाओ है, और सामने वाला निपट जाए लेकिन रसम जरूर निभे भैया। अरे नहीं नहीं मैडम, क्या जरूरत है? अरे मैं कहता हूँ कदापि नहीं है ही नहीं जरूर, कोई जरूरत नहीं अपनी रस्में निभाने का, कोई जरूरत ही नहीं अपने संस्कारों को पालने का। क्यों भला क्यों पाले हम? ना ना ना, मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। अबे अंकल बात यह है ना कि आपकी दोनों बेटियां जो है ना एक नंबर। एक मिनट मत कहिए, कुछ मत कहिए। अरे मैं कहता हूँ क्या जरूरत पड़ी है ईद में सेवैयां बांटने की, और क्या जरूरत पड़ी है दिवाली में रसमलाई चाटने की, अरे क्या जरूरत है होली में गुजिया घपकने की, और क्या जरूरत है मकर संक्रांति में पतंगे लपकने की। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अरे ये तो हमारी देश की परंपरा है, इसे जो निभाएगा वो यहाँ थाने लाया जाएगा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। इज ही बीइंग सार्कास्टिक टू अस? सार्कास्टिक। Well, हम आपके दामाद की करना चाहते हैं सहायता इज्दा, जिसकी जिंदगी में फैलाया है आपने रहता इज्दा। एक मिनट अंकल, एक मिनट अंकल, देखिए आप बुरा मत मानिए लेकिन ये किस टाइप की शादी है अंकल? मतलब शादी को 3 महीने हो गए और अब तक उस बेचारे के जूते चुराए जा रहे हैं, उसके शर्ट पे यूं वो हल्दी के दाग लगाए जा रहे हैं और द्वार छिकाई हो रही है, अब तक 3 महीने हो गए अंकल शादी को। चक के बताइए अजवाइन कम ज्यादा तो नहीं है, तो फिर मैं और तलूं। पहली बार बनाया आपके लिए शादी के बाद। बुलबुल सर, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, हम जरा उसको बता के आते कि समोसे में अजवाइन कितना है। मिस चौटाला एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग चालू रहे, हम आते जरा। अबे का साला है सर। अरे ये कैसी परंपरा निभाई जा रही है? ऐसा हो गया चौकी में।
कढ़ाई गरम है सर, कढ़ाई गरम है। बेचारा। देखिए मैडम, हमने अपनी बेटियों को सिखाया कि जो भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अपनी रस्मों को निभाने में कभी मत चूकना और ना ही कभी अपने संस्कारों को पालने में। हाँ मैडम, इसलिए देखिए मैडम, हमारे घरेलू मामले में आप ना पड़े तो अच्छा है। हमारे दामाद का क्या है, वो तो अभी बच्चा है। और रहा मैं तो मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। हाँ लेकिन अंकल ये मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च न मक्खन एडिया आ रहा है। तो एक एक करके सारी हड्डियां चटका के यहाँ घेर दूंगी, सजा दूंगी मेज पे, तब देगा आइडिया। हाँ तो दरवाजे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, आइडिया ये है कि गुड आइडिया। और बैंगन ले लेंगे, उसमें मसाले डाल के भरवे बैंगन खाने की इच्छा आ रही है। ये ठीक है यहाँ, तुम बैंगन लो, मैं जरा वहां से ब्रेड लेके आता हूँ। मैं तन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। अरे जाओ डैडी। हाँ हाँ ठीक से लेना, जरा देख के। बैंगन कैसे लिए? एक काम करते हैं बिल्लू, तू पहले जाके छेड़। हाँ तो उसमें क्या है, मैं कोई डरता तो ही ना हूँ कोई लड़की से। मैं कोई अभी देखना ऐसे जाके छेड़ूंगा कि शक्ति कपूर से लेके प्रेम चोपड़ा तक सबको फेल कर दूंगा, सबके खेल कर दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, ज्यादा रहा है। उषा, उषा मेरी बहन, मेरी कलाई कब से सोनी है तेरी इंतजार में, तू मेरा की बांध दे उषा, बांध दे उषा मेरी बहन। उषा तू बदल गई है। कौन कौन आ जाता है दादाजी आपकी ठेला गाड़ी पे? हमें ही करना पड़ेगा अब। बुढ़े इसको कोने में जाके खा लो, जाओ जाओ जाओ। जालिम हसीना मुश्किल कर दिया जीना। कौन हो तुम लोग? रसम की कसम है और कसम की रसम है। बेटा हम गुंडे हैं, तुम्हें छेड़ने आए हैं, आज बताऊंगा पूरे गांव में। सारी की सारी रस्में और सारी की सारी कसमें आज यहीं पे पूरी करेंगे। पिक्चर दिखाता हूँ, चल आ जा, आ जा रानी, आ जा। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? ए, कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी छेड़ोगे तो मारूंगा सबके दोनों के सर पे। ये मत समझना हम डर गए हैं, हम फिर छेड़ने आएंगे। अरे जाते तो बुढ़ाऊ कहीं का छेड़ने आए। मैं सन के हूँ, करता अपने मन के हूँ। चलो यहाँ से आओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आओ मैं जरा देखता हूँ इनको। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अरे बे एक्सक्यूज मी मैडम, मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ। तो क्यों इतना हल्ला काट, गुस्सा मचा रखा है चौकी में? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या नाचूं? नाच ले। है? ना नाचना नहीं, नाचना नहीं। क्या हुआ वो बताओ। हुआ? अरे हुआ नहीं, धुआं। अरे गुस्से के मारे मेरा धुआं निकल रहा है। मैं सन की हूँ, करता अपने मन के हूँ। आप लोगों के रहते दिन दहाड़े भी चौराहे में कोई मेरी बेटी छेड़ गया। हाँ? छोरी छिड़ गई? हाँ? कैसे छिड़ गई, कौन छेड़ गया? अरे वो दो थे और धमकी दे गए कि फिर आएंगे छेड़ने, फिर आएंगे छेड़ने। हाँ? के लिए काफी छेड़ू किस्म के लोग लग रहे हैं भैया, बेटी को संभाल के रखो। हाँ? नहीं नहीं देखिए सर, क्या है ना कि आजकल जमाना खराब है और भाई टाइम्स हैव चेंज्ड। मैं क्या कह रही हूँ, एक फ्रेंडली एडवाइस अगर मारी सुनो है तो छोरी की जो है शादी कर दो। शादी लायक उम्र वैसी हो गई है उसकी भैया, अच्छी जगह कहीं उसकी रिश्ता रिश्ता जोड़ दो। एक बार हो गए उसके हाथ पीले तो भैया तुम हो जाओगे जिम्मेवारी से ढीले।
फिर कोई नहीं छेड़ता, शादीशुदा एक बार लड़की हो गई फिर कोई नहीं छेड़ता। अरे लेकिन शादी के लिए कोई अच्छा सुशील लड़का भी तो मिलना चाहिए। मैं सन के हूँ, करता अपने मन के हूँ। अबे तो सुशील लड़का हम पे धरा है, हमसे पूछो है भाई। देखो ऐसा है, एक बहुत बढ़िया खानदानी बढ़िया परिवार का सुशील लौंडा हमारी नजर में है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। हाँ काफी अच्छा लड़का है, तुम कहो तो उससे तुम्हारी हम बात चलाएं। भी गुड लुकिंग। हाँ भैया देखने में भी बढ़िया हो रहा है, लंबा गोरा चिट्टा लेकिन वो माथे वाला। लेकिन वो है कौन? डांस भी बढ़िया करे। और सर कोई क्वालिटी नहीं? इतना ठीक है फिलहाल। अरे लेकिन वो है कौन? कौन है? देखो भाई गुप्ता जी का बेटा है। गुप्ता जी का बेटा बहुत बढ़िया वाला लड़का, कमावे एकदम 100% 2 लाख रुपए महीने कमा रहा। और ऐसा है उसकी 4 दुकानें हो रही, 2 उसके घर में गाड़ियां हैं, बढ़िया उसमें बाथरूम फिटिंग्स वगैरह, बढ़िया मास्टर बेडरूम वाला उसका कमरा। अरे कमाल लड़का है, मैं तो कह रही हूँ हाथ से जान मत दो। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो बेटी बात चलाओ। अगर लड़का मुझे पसंद आया तो रसम के हिसाब से 1 तोले चांदी का सिक्का उसके हथेली पे रख दूंगा, बाकी मैं सन के हूँ, करता अपने मन के हूँ। सही है। 2 लाख रुपए थोड़े खैर तीर निशाने पे लग गया, पंची जाल में फंस गया। यस सर, बाकी मैं सन की हूँ, करता अपने मन की हूँ।